प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव एनसीईआरटी में नहीं है, ये मेंस के अंदर मैंने खुद इसका क्वेश्चन आता देखा है, तो इसलिए दो लाइन में बता रहा हूँ कि ये है क्या एग्जैक्टली. ये आपको हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना की वैल्यू देगा. कैसे, ये देखो, ये मान लो आपके पास ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ का रेडियस इसमें कैपिटल आर है सेंटर से, ये एंटीना मे बी सेटेलाइट के ऊपर है या टावर जो मर्जी मान लो स्पेस के अंदर है जो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इसकी हाइट एच है सरफेस से, सिग्नल डी डिस्टेंस तक जा पा रहा है क्योंकि इसके बाद अगर सिग्नल जाता भी है तो लोग यहाँ रहते नहीं तो सिग्नल बेकार है, पर फिर भी सिग्नल तो हर तरफ जाएगा ही जाएगा, तो ये सिग्नल डी रेडियस में घूमेगा. ये सिग्नल का रेडियस क्या है, डी रेडियस में सिग्नल प्रोपोगेट हो रहा है गोल ऐसे. अब जो लोग अर्थ पे रहते हैं वो तो सिग्नल कैच कर लेंगे, जो हवा में रहते हैं वो तो क्या ही करेंगे, हवा में रहते ही नहीं है तो कैच क्या करेंगे, तो लेकिन सिग्नल डी रेडियस में प्रोपोगेट हो रहा है. मैं क्या कर रहा हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा रहा हूँ, एच प्लस आर का होल स्क्वायर इज डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो मैंने यहाँ पाइथागोरस लगा दी, पाइथागोरस लगा के इसको ओपन करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू आर एच, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये टर्म बच जाएगी. इसके अंदर एच आर बहुत बड़ा होता है अर्थ का 6400 किलोमीटर और हाइट ऑफ एंटीना कुछ भी नहीं है, तो दिस कैन बी निगलेक्टेड. तो आपके पास जो आंसर आएगा डी का आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ टू आर एच, यह आ जाएगा. तो यानी कि आपका जो टावर है वो डी रेडियस में सिग्नल को क्या कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है. तो कितने एरिया में सिग्नल को फेंक रहा है, पाई डी स्क्वायर में फेंक रहा है. तो डी का मतलब सिग्नल का रेडियस है, एच का मतलब हाइट ऑफ एंटीना है. तो इसमें कितने लोगों ने सिग्नल को, कितने एरिया में सिग्नल गया पाई डी स्क्वायर, कितने लोगों ने सिग्नल को रिसीव किया, उसके लिए पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कितने लोग रह रहे हैं पर यूनिट एरिया को, एरिया ऑफ सिग्नल से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो पॉपुलेशन की वैल्यू आ गई. तो इसको करने का ये तरीका है, व्हाट शुड बी दी हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, एंटीना की हाइट एच है, आपको एच निकालना है. अगर टेलीकास्ट इज टू कवर अ रेडियस ऑफ, टेलीकास्ट का मतलब जो टेलीकास्ट है वो डी रेडियस में सिग्नल को फेंक रहे हैं, तो ये डी गिवन है, एच आपको निकालना है, डी आपको गिवन है. और कितने लोगों ने, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी गिवन है, कितने पॉपुलेशन ने सिग्नल को कैच किया. तो पहले आपको डी गिवन है तो यहाँ से हाइट निकालनी है तो आप निकाल लेना, क्योंकि डी का फॉर्मूला मैंने आपको भी करवाया था अंडर रूट ऑफ टू आर इंटू एच, स्क्वेयरिंग करके हाइट आ गई एंटीना की, क्योंकि आपको डी पता है तो एच आ गया. तो अगर आपको डी पता है तो एरिया कवर्ड आ गया सिग्नल का पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर को पॉपुलेशन डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, पॉपुलेशन की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पाई डी स्क्वायर का मतलब एरिया ऑफ सिग्नल हो गया, एरिया ऑफ सिग्नल को पॉपुलेशन डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके पॉपुलेशन की वैल्यू आ जाएगी. जैसे इसी के अंदर टीवी टावर है हाइट ऑफ, इस बार एच गिवन है, कितने लोगों ने टीवी का सिग्नल देखा अगर पॉपुलेशन डेंसिटी गिवन है. अगर आपको एच गिवन है तो पहले आप डी निकाल लें अंडर रूट ऑफ टू एच आर से, डी निकाल लें तो एरिया कवर निकाल लें पाई डी स्क्वायर से, एरिया आ गया सिग्नल का, एरिया को पॉपुलेशन डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, पॉपुलेशन की वैल्यू आ गई. तो मतलब हाइट और डी में क्या रिलेशन है ये पता होना चाहिए, और फिर पाई डी स्क्वायर सिग्नल के एरिया को पॉपुलेशन डेंसिटी से कभी मल्टीप्लाई करेंगे पॉपुलेशन की वैल्यू आएगी. अगर ऐसा क्वेश्चन कभी मिल जाए तो मतलब ऐसा करना है, वैसे आने की प्रोबेबिलिटी कम ही है.